देश में चल रहे कोविड वैक्सीनेशन महाअभियान के प्रति लोगों का खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। राजधानी जयपुर के विभिन्न टीकाकरण केंद्रों पर लोग टीका लगवाने के लिए ऑनलाइन ही टाइम स्लॉट लेकर पहुंच रहे हैं और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए वैक्सीन लगवा रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में अब तक 18 से 44 आयु वर्ग के 2,75,000 से अधिक लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। प्रदेश में 18 से 44 साल तक के लोगों को टीकाकरण के लिए काफ़ी अच्छा उत्साह देखने को मिल रहा है। इस टीकाकरण महाअभियान में 18 से 44 आयु वर्ग के लोग अपने जो है रजिस्ट्रेशन के बाद में यहां वैक्सीनेशन सेंटर पर टीका लगाने आए हुए हैं। इस समय हम मौजूद हैं जयपुर के जेके लोन वैक्सीनेशन सेंटर पर, जहाँ आप देख सकते हैं कि जो है टीका लगवाने के लिए आए लोगों को वैक्सीनेशन किया जा रहा है और लोगों में इसको लेकर के काफ़ी उत्साह है। आइए हम जानते हैं कि उन्होंने किस तरह से इस टीकाकरण अभियान के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। हाँ मैडम, आपने किस तरह से रजिस्ट्रेशन कराया? मोबाइल में आरोग्य सेतु के थ्रू। अच्छा, फिर आपको स्लॉट कब मिला? मैं आप लिया है क्या? क्या स्लॉट कैसे आपको मिला, कितने बजे आना है? ये उसके टाइम के अकॉर्डिंग, उसमें टाइम का स्लॉट दिया हुआ रहता है, उस टाइम पे आप क्लिक करेंगे तो वो टाइम के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा स्लॉट। आप क्या कहेंगे इस वैक्सीनेशन के अभियान के बारे में? बहुत ज़रूरी है लगवाना, और सेफ खुद के लिए भी है, परिवार के लिए भी है और देश के लिए। तो ये थे टीका लगवाने वाले लोग, जिनका कहना है कि वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। यदि प्रदेश स्तर की बात करें तो अब तक जब से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हुई है तब से लेकर के आज तक करीबन 2,75,000 लोगों को 18 से 44 आयु वर्ग के जो लोग हैं उनको टीकाकरण किया जा चुका है। प्रदेश जयपुर ज़िले की बात करें तो कल जो है तकरीबन विभिन्न वैक्सीनेशन सेंटर्स पर 7,500 लोगों को टीके की फर्स्ट डोज दी गई। यहां हमारे साथ मौजूद हैं वैक्सीनेशन सेंटर की इंचार्ज कौशल्या जी, इनसे जानते हैं कि आज अब तक कितने लोगों का वैक्सीनेशन किया गया। सर, जेके लोन में आज 300 की लिस्ट है, उसमें से अभी तक हमने 159 लगा दिए हैं और बहुत जल्दी जल्दी लोग आ रहे हैं। गर्मी की वजह से भी लोग जल्दी लगवाना पसंद कर रहे हैं, वो भी ठीक है, वैक्सीन का टेम्परेचर भी बना रहता है और लोगों में बहुत उत्साह है कि वो जल्दी से जल्दी अपना टीकाकरण करवाएं और जल्दी से जल्दी इस बीमारी पर विजय पाएं। कल से लेकर के आज तक कितना जो है ये संख्या में इजाफा हुआ है? कल तो इस टाइम तक कम आए थे, कल हमारे पास 200 की लिस्ट थी तो कल कम थी लिस्ट, आज तो 300 की लिस्ट है, उसमें से 158 आ चुके हैं और अभी तो आ जाएंगे जिनके हिसाब से, स्लॉट के हिसाब से लोग आते हैं, बट ठीक आ रहे हैं। और आगे भी आज SMS मेडिकल कॉलेज में दो साइट है, दो SMS में साइट है 18+ की, IDH आइसोलेशन में 18+ की साइट है और कल से साइट्स बहुत लगेगी, मेडिकल कॉलेज में 5 साइट लगेगी कल। और बड़ा उत्साह है कि ज़्यादा से ज़्यादा करीब 3,000-4,000 लोगों को वैक्सीनेट करेंगे कल SMS मेडिकल कॉलेज में। तो इस तरह से आप जो है देख सकते हैं कि यहाँ वैक्सीनेशन सेंटर्स पर टीका लगाने वाले लोगों में काफ़ी उत्साह है और लोग भी अब ये बात को अच्छी तरह समझने लगे हैं कि यदि कोरोना रूपी राक्षस को मारना है तो वैक्सीनेशन एक कारगर उपाय हो सकता है और हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा इस अभियान का हिस्सा बनना चाहिए, अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए और जैसे ही उनको स्लॉट अलॉट होता है उन्हें टीकाकरण केंद्र पर जाकर टीका लगवाना चाहिए। जयपुर से कैमरामैन केदार प्रसाद के साथ मनीष शर्मा, DD News।